अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन मीडिया पढ़ रहे थे। तो कम्युनिकेशन मीडिया में हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा था गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। तो आज हम उससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं कंप्यूटर का। तो आज हम उससे अगला नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ब्रीफली डिस्क्राइब द डिफरेंट गाइडेड मीडिया। ठीक है, गाइडेड मीडिया हम पढ़ रहे थे, हमने अपने पढ़ा था प्रीवियस टॉपिक में कि गाइडेड मीडिया हमारे पास वो मीडिया होता है जो हमारे पास लिंक्ड होता है वायर की मदद से, मतलब जो जो जिसमें डाटा ट्रांसमिशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस हो रही है थ्रू सम काइंड ऑफ वायर, जिसमें जो हमारा सिस्टम है जिसके दरमियान डाटा ट्रांसमिट हो रहा है वो वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, उन उस मीडिया को क्या कहते हैं, गाइडेड मीडिया या बाउंडेड मीडिया भी हमने कहते हैं। ठीक है, तो आज हम डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे जिसकी मदद से हम वो केबल्स पढ़ेंगे, वो सोर्सेज पढ़ेंगे जिनकी मदद से गाइडेड मीडिया को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है ट्विस्टेड पेयर। बड़े इससे पहले मैं आपको प्रोजेक्टर पे लेक्चर दे रहा था तो उसमें कुछ स्टूडेंट को ये मसला था कि उनको रीडिंग में कुछ इशू आ रहा था, तो इस वजह से मैं ये थोड़ा सा मेथड चेंज कर रहा हूँ, मैं आपको रीडिंग करवा रहा हूँ। तो रीडिंग में होगा कि जो आपको मुश्किल वर्ड होंगे उनकी भी आपको समझ लग जाएगी और थोड़ा एलैबोरेट हो जाएगा मजीद, आपका जो टॉपिक होगा वो अच्छी तरह एक्सप्लेन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो पेयर है वो है ट्विस्टेड पेयर। अब ट्विस्टेड पेयर में हमारे पास क्या होता है, इसके नाम से आपको पता लग रहा है कि इसमें पेयर नंबर ऑफ वायर्स को ना पेयर किया था, दो वायर्स को लेके उन्हें आपस में ट्विस्ट किया होता है, पेयर बना के उसका ट्विस्ट किया होता है। ठीक है, इसकी ये आपने अक्सर अपने इसकी एग्जांपल है मैं आपको बताता हूँ, आपके घर में जो भी आप इंटरनेट के लिए वायर को यूज़ कर रहे हैं, जितनी भी वायर आपके यहाँ यूज़ हो रही है अगर वो फाइबर ऑप्टिक्स नहीं है, ठीक है, तो जो वायर आप यूज़ कर रहे हैं जो अमूमन ब्लू कलर की होती है या येलो कलर की भी पॉसिबल है, ठीक है, वो जो जिसको हम कैट 6 या कैटेगरी 6 की वायर कहते हैं, ठीक है, वो जो वायर है वो ट्विस्टेड वायर होती है। ठीक है, तो ट्विस्टेड वायर में बस कहता है ट्विस्टेड वायर मोस्ट कॉमनली यूज फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम, ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है क्योंकि ये मैंने बताया कि हर घर में मोस्टली जिस घर में भी इंटरनेट वायर के जरिए है, मॉडर्न पीटीसीएल के अंदर यूज़ किया हुआ है, तो पीटीसीएल पीछे से आपको एक ब्लैक कलर की वायर में, ब्लैक कलर की वायर जो कि उनके पोल के साथ लगी होती है, वहाँ से आपके घर तक एक मेन मॉडम लगती है पीटीसीएल की। ठीक है, वहाँ से आपका वहाँ से आप क्या करते हैं, अगर आपने वहाँ से या अपने दोस्त को शेयर करना हो या डिफरेंट कमरे में लेके जाना हो या अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना हो डेस्कटॉप कंप्यूटर के साथ, ठीक है, तो आप क्या करते हैं मॉडम में से एक वायर लगा के दोनों तरफ कनेक्टर लगा के क्या करते हैं कि आप जिस चीज़ को भी कनेक्ट करना हो, अगर आपने मॉडम को ही कनेक्ट करना है तो आप मॉडम के साथ उसे लिंक कर देंगे, अगर आपने उसे लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना है तो आप उसे लैपटॉप या सिस्टम के साथ कनेक्ट करके वो जो ब्लू की बात होती है जो हम मोस्टली यूज करते हैं वो जो वायर है उसको ट्विस्टेड वायर कहते हैं। ठीक है, इट इज यूज इन अ लोकल एरिया नेटवर्क एंड टू कनेक्ट कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस को लोकल एरिया नेटवर्क में यूज करते हैं कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, या फिर हमने पढ़ा था कि नेटवर्किंग हम किस लिए यूज करते हैं कि हम प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए अपने सिस्टम के साथ या डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए, जो हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि मैश टर्मिनोलॉजी है, उसके अलावा स्टार टोपोलॉजी है, ये टोपोलॉजी जो आपस में कनेक्ट होते हैं ये इन्हीं केबल्स की मदद से ही कनेक्ट होती है। ठीक है, तो ट्विस्टेड पेयर क्या कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉपर वायर्स, उसमें पेयर्स ऑफ कॉपर वायर्स हैं, अमूमन इसमें 8 वायर्स होती हैं। ठीक है, और हर वायर मतलब इसमें 4 पेयर बनाए होते हैं, हर वायर दो वायर्स को मिलाकर उन्हें ट्विस्ट किया होता है। ठीक है, दो डिफरेंट कलर के मतलब दो डिफरेंट कलर जो सिमिलर होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब ग्रीन को लाइट ग्रीन के साथ, वाइट को येलो के साथ और रेड को, इस तरह मतलब इनका पेयर बना के इनको ट्विस्ट किया होता है आपस में। ठीक है, तो जब हमने इनको कनेक्ट करना तो हम क्या करते हैं, सब वायर्स को आपस में सीधा करते हैं। ठीक है, ट्विस्ट इनके खोलते हैं, इनको सीधा करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि अभी इसके अब एक वायर के हमारे पास दो जॉइंट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, एक दो एंड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हमने अपने कनेक्शन को स्टेबल करना है तो हम क्या करते हैं कि हम 8 की 8 वायर जैसे बहुत हमने कनेक्टर लिया, हम दोनों तरफ कनेक्टर लगाते हैं, उसका कनेक्टर टूल होता है। ठीक है, तो आप कनेक्टर को लेते हैं, उस कनेक्टर के ऊपर भी 8 कॉपर वायर बनी होती है जो कि आपने पीटीसीएल की मॉडम में या पीटीसीएल के साथ अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपने वो लाजमी देखा, अगर आपने देखा तो अभी जाकर अपनी मॉडम को देखें तो निकालेंगे, उसमें से वायर निकालेंगे आप प्रेस करके तो आप देखेंगे उसके अंदर 8 लाइन्स लगी होती हैं कॉपर की। ठीक है, तो आप क्या करते हैं उन 8 वायर्स को आप क्या करते हैं इकट्ठा करके स्टेट करके उन्हें काट के बराबर करके आप उसे क्या करते हैं उसके ऊपर कनेक्टर लगाते हैं और कनेक्टर टूल की मदद से उसे प्रेस कर देते हैं। कनेक्टर टूल पर प्रेस करने से क्या होता है कि वो जो 8 कॉपर वायर होती हैं जो उसके ऊपर लगी होती हैं वो प्रेस हो जाती हैं और उसके अंदर क्या होता है कि वो जो 8 की 8 हमारे पास वायर्स होते हैं उसका तो उनका कनेक्शन स्टेबल होता है। इसी तरह जिस तरह हमने अब एक तरफ रखा होता है कलर्स कॉम्बिनेशन रेड ग्रीन ब्लू येलो ऑरेंज लाइट ग्रीन वाइट और उसी तरह सेम एज इट इज हम दूसरी तरफ भी रखेंगे तो फिर हमारा कनेक्शन स्टेबल होगा, फिर हमारा कनेक्शन जो इंटरनेट मॉडम है वो जो कनेक्शन है वो स्टेबल होगा और फिर हम उसको कम्युनिकेशन कर सकेंगे। ठीक है, तो ट्विस्टेड वायर में
ठीक है, दोनों तरफ आपको 8 में से अगर आपके 6 बार ऑप्शन करेक्ट हो गए तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको इंटरनेट चार्ज पड़ता है, लेकिन 8 की 8 हो गई तो जितना उतना ज़्यादा आपका स्टेबल कनेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी बार कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ कॉपरवाइज, पेयर ऑफ कॉपरवाइज कंसिस्ट करता है, पेयर ऑफ कॉपरवाइज कवर्ड बाय द प्लास्टिक इंसुलेशन एज यूजल, हर कॉपरवाइज जो है प्लास्टिक इंसुलेशन से कवर्ड होती है। ठीक है, इट इज ट्विस्टेड टुगेदर, उन्हें हर पेयर दो केबल्स का पेयर बनाकर ट्विस्ट किया होता है। ठीक है, ट्विस्टिंग ऑफ पेयर वायर प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय द एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, तो आपको उसके ट्विस्ट करने से क्या होता है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उसको बचाता है। ठीक है, तो अब ये आपको उम्मीद है समझ लगी होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्विस्टेड पेयर। अब इसकी ट्विस्टेड पेयर जो केबल है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक में आप क्या होती है, डिफरेंट, इट इज एन इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम, ये बहुत सस्ता है। मिसाल कैटेगरी 6 की जो वायर होती है वो तकरीबन 6 रुपये या 8 रुपये या 10 रुपये फिट होती है, डिपेंड करता है कि आप किस रेंज में मतलब आ रहे हैं, तो ये इसके डिपेंड करती है, इस लाइक में करती है 6 to 20 रुपीज़ के दरमियान ये पर फीट इसकी जो केबल की चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो इट इज़ एन ईजी टू इंस्टॉल, बहुत ईजी इंस्टॉल है। मैं बताया कैसे इंस्टॉल करते हैं, दोनों तरफ आप कनेक्टर टूल को लेकर दोनों तरफ वायर्स की कलर कॉम्बिनेशन को सेव करके आप उसके ऊपर कनेक्टर टूल की मदद से उसको प्रेस करते हैं तो कनेक्टर कनेक्ट हो जाता है, उसके बाद आप उसे मॉडम या कंप्यूटर में यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इट का ट्रांसफर डाटा तो शॉर्ट डिस्टेंस, अब इसकी ये लिमिटेशन होती है कि ये डाटा को शॉर्ट लिमिटा लिमिटेशन मतलब लेट्स सपोज अगर आपने 200 फीट या 300 फीट या मैक्सिमम 400 या 500 फीट तक अगर आपने यूज़ करना हो तो आप ट्विस्टेड पेयर को यूज़ करेंगे, अगर इससे ज़्यादा हो जाएगा तो वहाँ ट्विस्टेड पेयर है वो इतना ज़्यादा कारामद नहीं होता, क्योंकि वो क्या करता है, इसकी सिग्नल स्ट्रेंथ कम होना शुरू होती है और डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है, इस वजह से क्या करता है कि ये हम इसको शॉर्ट डिस्टेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोएक्सियल केबल। अब कोएक्सियल केबल क्या होता है, कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ कॉपर वायर कवर्ड विद एन इंसुलेशन मटेरियल। कोएक्सियल केबल को हम क्या कहते हैं, इंसुलेशन मटेरियल से कवर करते हैं। ठीक है, ये कॉपर वायर से कंसिस्ट होती है, द इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कवर्ड बाय कॉपर मैश। ठीक है, मैं आपको सारा कुछ एक्सप्लेन करता हूँ, ये सारा कुछ क्या होता है। ठीक है, ये कॉपर मैश के साथ इसको कवर किया जाता है, पहले एक कॉपर वायर होती है उसके ऊपर एक इंसुलेटेड मटेरियल, उसके ऊपर क्या होता है एक कॉपर मैश होती है। ठीक है, द मैश प्रोटेक्ट द डाटा सिग्नल फ्रॉम इंटरफेरेंस बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, अब वो जो कॉपर वायर क्या जो हमारे पास मैश थी कॉपर वायर की, वो क्या करती है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को की इंटरफेरेंस को कंट्रोल करती है। ठीक है, कोएक्सियल केबल कंटेन 4 to 5 कोएक्सियल यूनिट कॉल्ड ट्यूब्स। अब इसके ना 4 to 5 कोएक्सियल यूनिट पर डिफरेंट डिपेंड करता है, उनको हम ट्यूब का ट्यूब करते हैं। मैं सारा कुछ आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये सारा कुछ आपको समझ लग जाएगा। ठीक है, कोएक्सियल केबल आर यूज बाय केबल टीवी नेटवर्क्स एंड टेलीफोन कंपनी, जैसा कि आपको पता लग चुका होगा इसी कैरेक्टरिस्टिक से। अब आपने आपके घर जो भी केबल आ रही है, केबल जो आप जिसको केबल के मतलब इस केबल का जो कनेक्शन है आपके पास, ठीक है, तो आपके लिए आप जो उसमें ब्लैक कलर की केबल को यूज़ कर रहे हैं, जो ब्लैक कलर केबल को यूज़ किया उसको वो कोएक्सियल केबल कहते हैं। ठीक है, अगर आप उसको खोलें या अगर आप अपने टीवी में से उस कोएक्सियल केबल को निकाल के उसके आगे जो आपने कनेक्टर टूल निकाल लगाया है उसको उतारें, तो आपको वो तीनों की जो चारों लेयर्स हैं वो वाजह नजर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे एंड पे क्या होती है, कॉपर वायर, एक सिंगल कॉपर वायर, उसके ऊपर एक वाइट कलर की इंसुलेशन मटेरियल लगा होता है, उसके ऊपर क्या होता है, कॉपर कलर कॉपर मैश लगी होती है। ठीक है, वो तीसरा यूनिट और चौथा यूनिट उसके ऊपर आता है ब्लैक कलर की इंसुलेशन, जो उस केबल को बचाती है फ्रॉम एक्सटर्नल, वो कॉबल के कॉपर मैश को भी बचाती है और उसको कॉपर मैश को फ्रॉम कोरिजन मतलब जंग लगने से बचाती है और एक्सटर्नल जो इन्वायरमेंट से बचाती है। ठीक है, तो ये चार ट्यूब्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब कॉपर वायर आप जैसे कि आप मतलब आपको इस सारी चीज़ों की समझ लगी, जैसे आप पता लग गया देखिए कि आप टीवी की वो जो वायर है आप उसको कैसे लगाते हैं, इजी टू इंस्टॉल है। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप छुरी से या किसी भी टूल के मदद से आप उसे क्या कहते हैं, काटते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, उसे थोड़ा सा छीलते हैं, छीलने से क्या होता है, उसकी जो कॉपर वायर वाली मैश है वो नीचे से वाजे हो जाती है। अब क्या करते हैं, आप उसको थोड़ा सा कटर लगा के एक तरफ से उसको एक तरफ कर देते हैं, मतलब कि अगर आपकी लेट्स सपोज ये आपकी वायर है, इसकी आपकी जो कॉपर मैश है, अब यहाँ से कटर लगाने के बाद क्या करते हैं, उसको एक तरफ करके उसको आप इकट्ठा कर लेते हैं उसके बाद उसको। ठीक है, उसके नीचे वाइट कलर का एक इंसुलेशन मटेरियल होता है। ठीक है, आप उसको भी ऐसा ऐसा काटते हैं, उसके नीचे कॉपर वायर आ जाती है। ठीक है, तो जब हम टीवी के साथ कनेक्ट करते हैं तो जो आपके पास वो पीछे जो आपको कनेक्टर टूल होता है जो आपके हमारे टीवी एलसीडी में लगता है, तो आप उसके साथ वो कॉपर मैश को भी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपकी वो कॉपर मैश से कनेक्ट नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा होगी, आपके जो सिग्नल्स बहुत ड्रॉप होंगे। ठीक है, तो आप कॉपर मैश को भी उस जो मटेरियल होता है जो हमारा पास कनेक्टर होगा जो टीवी में लगा होता है उसके साथ कनेक्ट करते हैं, और साथ वो जो कॉपर वायर है वो उसको भी कनेक्ट करके दोनों को कनेक्ट करके वो आप उसको इंसुलेशन क्रिएट करके आप उसको अपने एलसीडी के अंदर या अपने टीवी के अंदर कनेक्ट करते हैं, तो इसकी मदद से हमारी जो केबल का कनेक्शन है वो स्टेबल होता है। ठीक है, इसी के हमारे पास क्या कलेक्शन केबल आर
इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडियम दैन ट्विस्टेड पेयर। या एक्सपेंसिव होता है ट्विस्टेड पेयर से, इसमें यह होता है कि थोड़ी देर बाद इसमें सिग्नल स्ट्रेंथ लूज होना शुरू होती है, आपको इसमें बूस्टर लगाने पड़ते हैं। आपने सुना होगा अक्सर अपने केबल ऑपरेटर से कि बूस्टर खराब हो गया था, इस वजह से केबल नहीं चल रही थी, ये वो आपने ये सुना होगा। तो वो बूस्टर क्या करता है कि वो थोड़ी देर बाद अप्रॉक्सीमेटली उन्हें ये 400 फीट के बाद या 400 मीटर के बाद, डिपेंड करता है कि कॉपर वायर वो कैसी है, तो वो लगाना पड़ता है। तो वो क्या करता है कि वो पीछे से आने वाले सिग्नल्स को वहाँ इकट्ठा करता है, उनके दरमियान जितनी भी डिस्टॉर्शंस को ख़त्म करता है और उसको दोबारा बूस्ट करके सेंड कर देता है। ठीक है, तो एक बूस्टर से लेकर दूसरे बूस्टर के दरमियान ये प्रोसेस चलता रहता है। उन्हें हर डिफरेंट डिस्टेंस के बाद ये अप्लाई करना पड़ता है। आई थिंक ये 400 मीटर होता है, तो ये 400 फीट होता है, 400 फीट के बाद उन्हें लाजमी ये एक बूस्टर लगाना पड़ता है। ठीक है, इट इज़ प्रोवाइड हायर डाटा ट्रांसमिशन रेट दैन ट्विस्टेड पायर का। अब ये डाटा ट्रांसमिशन रेट, इसकी स्पीड इंक्रीज होती है क्योंकि हमने ऑब्वियसली बूस्टर भी यूज़ किया हुआ है और इसकी वैसे भी ये थोड़ी एक्सपेंसिव भी होता है। हमें पता है कि जितने ज़्यादा हमारी जो ट्रांसमिशन एक्सपेंसिव होती है उतना ज़्यादा उसमें डाटा इजीली डाटा ट्रांसफर स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इट कैन बी इंस्टॉल वेरी इजीली, मैंने आपको इसका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी बता दिया, ये बड़ा इजीली इंस्टॉल हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक्स। अब फाइबर ऑप्टिक्स हमारे पास सबसे एडवांस किस्म के ट्रांसमिशन मीडियम है, मोड है। ठीक है, फाइबर ऑप्टिक्स के ट्रांसमिट डाटा एज पल्स ऑफ लाइट थ्रू टाइनी ट्यूबल्स ऑफ ग्लास। ठीक है, अब फाइबर ऑप्टिक्स में आपको इसके नाम से पता लग रहा है, ऑप्टिक्स आपको ऑब्वियसली पता है कि शीशे को कहते हैं और फाइबर धागे को कहते हैं। तो अब इसको बनाया इस तरह जाता है कि धागे की जिसको हम प्लास्टर कहते हैं, प्लास्टर को बहुत ब्रिक प्लास्टर को शीशा ब्रिक ब्रिक काट के उसको पीस के उसको क्या करते हैं, धागा मतलब दूसरे वाला धागा नहीं प्लास्टर होता है, उसको एम्बेड कर देते हैं उसके ऊपर, धागे के ऊपर उसको एम्बेड कर देते हैं। तो ये इसको फाइबर ऑप्टिक मतलब फाइबर ऑप्टिक्स पाई जाती है, मतलब इसमें कॉपर मतलब वगैरह नहीं हो रहा था। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज करते हैं, इसमें हम डाटा को पल्स की मदद से सेंड करते हैं, मतलब शीशे में जैसे आप ट्रांसफर डाटा ट्रांसफर करते हैं तो शीशे में से आपकी लाइट पास हो जाती है, सेम एज इट इज आप इसको क्या करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स को यूज कर सकते हैं। इस तरह फाइबर ऑप्टिक्स में डाटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो इस तरह इसको मैन्युफैक्चर करते हैं। टिपिकल फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ वेरी नैरो स्टैंड ऑफ ग्लास काल कॉर्ड। इसमें बहुत ब्रीक अलग है नैरो स्टैंड होते हैं, कॉर्ड्स होते हैं उसके ग्लास के, जिसको हम कॉर्ड्स कहते हैं। द स्टैंड्स आर थिन लाइक ह्यूमन हेयर, वो बहुत ब्रीक होते हैं ह्यूमन हेयर इतने ब्रीक होते हैं, और वो इतने ब्रीक होते हैं कि अगर उन्हें आप थोड़ा बहुत ट्विस्ट भी कर दें तो वो टूटते नहीं, मतलब अगर आपको लग रहा होगा कि वायर को हम ट्विस्ट करेंगे तो टूट जाएगी, नहीं वो टूटते नहीं है, वो बहुत ब्रीक होते हैं। और उसमें क्या करते हैं कि वो ब्रीक होने की वजह से वो टूटते नहीं, उन्हें ज़्यादा मतलब कि थोड़ा बहुत आप उन्हें बेंड भी कर दें तो वो टूटते नहीं, अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा बेंड करेंगे और आपने फोर्स के साथ बेंड करेंगे किसी टूल की मदद से बेंड करेंगे तो वो डैमेज हो जाते हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पर वो मैनुफैक्चर नहीं होते, मैनुफैक्चर नहीं होते, लेकिन वो डैमेज हो जाते हैं, उनकी जो स्पीड रेट कम हो जाती है, लेकिन इस वजह से हमें फाइबर ऑप्टिक्स थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। ठीक है, एंड द कोर इज द सेंटर ऑफ फाइबर, कोर इज़ द सेंटर ऑफ अ फाइबर वेयर लाइट ट्रैवल। अब जो कोर होती है वो सेंटर होती है एक फाइबर की, जिसके अंदर से लाइट ट्रैवल करती है। ठीक है, बाहर वो फाइबर होता है, अंदर उसके अंदर ग्लास होता है। ठीक है, दिस देर आर कॉन्सेंट्रेटेड लेयर्स ऑफ ग्लास अराउंड द कोर कॉल कैडलिंग। ठीक है, अब कोर की इर्द गिर्द उन्होंने ग्लास की एक और लेयर चलाई होती है। ठीक है, उसको हम कैडलिंग कहते हैं, कैडलिंग वो लेयर होती है जो कि ग्लास को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने चलाई होती है उसके ऊपर, जिसको फाइबर वगैरह जिसको ऑब्वियसली फाइबर कह रहे होते हैं। ठीक है, इट रिफ्लेक्ट द लाइट बैक टू कोर। ठीक है, अब जो लाइट आप उसमें से ट्रांसफर करें शीशे में से, तो वो जरूरी नहीं है कि वो सीधी ही पास करे, वो कुछ ना कुछ लाइट रिफ्लेक्ट करती है इर्द गिर्द। तो अब जो क्लाइडल क्या करती है, वो जो मतलब आप एक शीशा है उसके ऊपर अगर आप ऐसे उसके ऊपर कोई चीज़ के कवर कर देंगे तो वो क्या करती है कि वो जितनी भी लाइट बाहर ट्रांसफर हो रही है वो उसको क्या करेगा, वो उसको बैक बाउंस बैक कर देगा उस दोबारा, मतलब जो लाइट उसमें से गुजर रही है अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो गया बाहर की तरफ जाना शुरू हो गया तो जो क्लाइडल है वो क्या करेगा, उसको बाउंस बैक कर देगा दोबारा उसके अंदर स्ट्रेट कर देगा। ठीक है, दिस क्लाइडिंग हैज़ प्रोटेक्टिव कोटिंग कॉल्ड प्लास्टिक काल जैकेट। ठीक है, तो उस प्लास्टिक कोडिंग होती है प्लास्टिक की, जिसको हम जैकेट कहते हैं। ठीक है, वो आपने ऑब्वियसली अगर आप फाइबर ऑप्टिक्स देखेंगे तो आपको ये सारे पार्ट्स में क्लियरली नजर आ जाएंगे, थोड़ा आपको गौर से देखना पड़ेगा, इतना क्लियरली व्यू नहीं होता जैसे हमने पीछे ट्विस्टेड पेयर का या फिर उसका देखा है कोएक्सियल केबल का, तो इस तरह इसका कॉमनली इतना आसानी से व्यू नहीं होगा, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी देखने पड़ेगी। लेकिन फाइबर ऑप्टिक्स अगर आप गूगल पे करेंगे उसकी इमेज करेंगे देखेंगे तो आपको ये वाजिया सारी चीज़ें नजर आ जाएंगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इज रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन नहीं है ये रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि मतलब रिफ्लेक्ट करके उल्ट हो जाती है इमेज। ठीक है, रिफ्लेक्शन जो हम शीशे में देखते हैं, ठीक है, वो उल्ट होता है।
तो ये रिफ्रैक्शन कहता है, रिफ्रैक्शन इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल टू इधर पास और रिफ्लेक्ट लाइट, ठीक है, ये पास कर देती है लाइट को और उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, मतलब कि अब उसको रिफ्लेक्ट करती है, तो अब रिफ्लेक्ट कर रिफ्रैक्शन से बचाने के लिए हमने क्या करता है, क्लैडिंग लगाई होती है, तो ये उसको पास करने देती है, ठीक है। अब लेट्स सपोज अगर आपका जो आम शीशा है जिसे हम मिरर कहते हैं, जिसमें अपनी इमेज देखते हैं उसे हम मिरर कहते हैं, तो मिरर में क्या करता है, वो मिरर आपके जो इमेज को रिफ्लेक्ट कर रहा था आपकी आंखों पर, वो पास नहीं मतलब पास नहीं कर रहा था, उसके बरक्स आपका जो विंडो मिरर है जिसको ग्लास है, जो शीशे का ग्लास है जिसको हम ग्लास कहते हैं, वो क्या कर रहा था, वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है और रिफ्लेक्ट रिफ्रैक्शन भी कर रहा था, दोनों काम होता है, आप उसमें आपको उसमें अपना चेहरा भी नजर आ रहा है और आपका चेहरा उसमें से आर पार भी नजर आ रहा होता है, ठीक है, मतलब कि पहली तरफ जो विंडो के दूसरा ग्लास दूसरा वो भी वहाँ भी नजर आता है। तो ये जो क्या कहता है रिफ्लेक्शन, वो प्रोसेस होता है जिसमें वो जो क्या करता है वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है, उसको आगे की तरफ मूव भी कर रहा है और क्या कर रहा है उसको रिफ्रैक्शन भी कर रहा है, उसको वो पास भी करने दे रहा है, ठीक है। मोस्ट टेलीफोन कंपनीज और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ISPs एंड केबल टीवी ऑपरेटर्स यूजिंग फाइबर ऑप्टिक्स इन देयर नेटवर्क, ठीक है। अभी तक तो हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमनली यूज़ नहीं हो रहा है, अभी तक हमारे फैसलाबाद में इसको नेटल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, इस्लामाबाद में इसको PTCL जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है हमारा वो भी इसको यूज़ करते हैं, और बहुत जो हाई एंड कंपनीज है वो इसको फाइबर ऑप्टिक्स को यूज़ करती हैं डाटा को ट्रांसफर करने के लिए। एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स आर फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क वर्क एज वेरी हाई स्पीड, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली इसमें डाटा लूज की बहुत कम चांसेस होते हैं, स्पीड बहुत होती है, डाटा लाइट की रिफ्लेक्शन ऊपर से लाइट रिफ्लेक्ट कितनी जल्दी होती है, सेम एज इट इज इसकी रिफ्लेक्शन की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है, डाटा ट्रांसफर रेट बहुत होती है। इन्फ्रास्ट्रक्चर कैरी कैपेसिटी फाइबर ऑप्टिक्स वेरी हाई, इसकी ऑब्वियसली आपको डाटा जो पैकर है फोटोन की मदद से सेंड हो रहा है और फोटोन एनर्जी पैकर्स होते हैं, वो डाटा बहुत जल्दी पास हो रहा था उसके अंदर से, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स लाइटर एंड स्मॉल इन साइज, वो अब ऑब्वियसली इसमें हम कॉपर नहीं यूज़ कर रहे, तो इसमें सिर्फ शीशा यूज़ हो रहा है, तो ये लाइटर भी होती है और उसके जो मोटाई होती है वो भी बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। इट इज़ अ मोर सिक्योर एंड रिलायबल फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन, मैंने आपको बताया कि इसमें डाटा लॉस नहीं होता, क्योंकि हमने जो फाइबर जो ग्लास है उसके जो हमने क्लैडिंग लगाई होती है जो कि डाटा को लॉस होने से बचा रही होती है, जो बैग उसको बाउंस बैक कर देती है, ठीक है। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इफेक्ट नहीं होता क्योंकि इसमें कॉपर वायर नहीं होती, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से इफेक्ट होती है वो कॉपर वायर होती है, उसमें मैग्नेटिक वेव्स होती हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। ऑब्वियसली अब उसे मैग्नेट के पास लेके आएंगे तो उसमें डिस्टॉर्शन आएगी, उसके अंदर डेटा लॉस हो जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू इंस्टॉल, ये बहुत मुश्किल होता है इसको इंस्टॉल करना, इसमें जो स्ट्रैंड्स को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है, इसके कनेक्टेड लगाना बहुत मुश्किल होते हैं, और ये बहुत दूसरा पास का पार्ट है, इट इज़ एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगी है क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ये बहुत अच्छी है और ये बहुत इसी वजह से ये बहुत महंगी है। डेसी क्लास ये मेरा आज का लेक्चर था, आई होप आपको समझ आई होगी, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप नीचे कमेंट्स में मेंशन कर दें तो मैं आपको वहाँ इसका आंसर कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।